आज हम देखते ही मुंह में पानी आ जाए ऐसा हलवाई स्टाइल गाजर का हलवा बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। हलवा बनाने के लिए 1 किलो गाजर को कुछ इस तरह से टुकड़ों में काट लेंगे। इन्हें अच्छी तरह से धो के एक छन्नी पे रखेंगे। गाजर का हलवा आज हम इजीली कुकर में बनाएंगे, जिसके लिए कुकर में 2 से 3 टेबल स्पून जितना घी गरम करेंगे। गाजर के टुकड़े ऐड करेंगे। इन्हें 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, गाजर का कलर अच्छा ब्राइट हो जाता है। अक्सर हम जब भी घर पर गाजर का हलवा बनाते हैं तो गाजर को दूध के साथ पकाते हैं और लास्ट में जैसा हमें हलवाई स्टाइल कलर चाहिए वो नहीं मिलता है, क्योंकि हलवाई गाजर को पहले शुगर में पकाते हैं। जैसे जैसे शुगर पकती है उसका कैरेमल गाजर पर चढ़ता है और हलवे में बहुत ही बढ़िया ब्राइट कलर आता है। इसलिए आज हम वही स्टेप फॉलो करके गाजर का हलवा बनाएंगे। 3-4 कप जितनी शुगर ऐड करेंगे। शुगर आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। शुगर अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। 1 से 2 मिनट तक और भूनेंगे। कुकर का ढक्कन बंद करके 2 से 3 विसल करवाएंगे। कुकर का प्रेशर ठंडा हो गया है, ढक्कन खोल के इसे पाव भाजी मैशर से मैश करेंगे। एक ग्लास जितना दूध ऐड करेंगे और हलवे को अच्छी तरह से पकाएंगे। वन फोर्थ कप मिल्क पाउडर ऐड करेंगे। आप चाहे तो 1/4 कप जितनी मलाई भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से सभी चीजों को भूनेंगे। हलवा जब तक पक रहा है तब तक दूसरी साइड हम एक पैन में 1 टेबल स्पून जितना घी गरम करेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून किशमिश ऐड करेंगे। किशमिश हल्की सी रोस्ट हो जाए फिर इसमें 3 से 4 टेबल स्पून कटे हुए बादाम ऐड करेंगे। इन्हें भी हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। 3 से 4 टेबल स्पून काजू के टुकड़े ऐड करेंगे। हल्का सा भून लेंगे। 3 टेबल स्पून मेलन सीड्स ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून खसखस ऐड करेंगे। मेलन सीड्स और खसखस को भी हल्का सा भून लेंगे। दूध जैसे जैसे हलवे में एब्जॉर्ब होता जाएगा इसका कलर और ब्राइट होता जाएगा। दूध ऑलमोस्ट एब्जॉर्ब हो गया है। देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया ब्राइट कलर आया है। जो हमने ड्राई फ्रूट्स रोस्ट किए थे वो ऐड करेंगे। हलवे में से घी सेपरेट हो तब तक इसे भूनेंगे। हमारा ऑल टाइम फेवरेट गाजर हलवा बनके तैयार है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमने न्यू ट्रिक अपनाई थी उससे कितना बढ़िया रेड कलर आया है। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे सर्व कर लेंगे। हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए मैंने इसे खोया, चांदी के वर्क और ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है।